यहाँ तो लूट की दुकान खोल रखी है लोगों ने। हाँ ये तो है। हाँ 1600 रुपए कुंटल, 2000 रुपए कुंटल, 10 रुपए आंख तक दी है बताओ इसकी। 10 रुपए आंख के हिसाब से आप हिसाब लगाओगे तो 6-7 हजार रुपए कुंटल से ऊपर बैठेगा 35। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 ही मान लो यहाँ दोहरे पे ही गन्ना हूँ मैं। ये है 1335। 8 गन्ने हैं इसमें। हमारी से हर गन्ने का अपना अलग अलग हिसाब है, लड़ने की क्षमता। नहीं खेत तो एक ही है ना। हाँ तो इसकी अलग है, वो एक कमजोर आदमी है वो बीमारी जल्दी पकड़ लेगा, जो मजबूत है वो कम पकड़ेगा, जवान आदमी को मतलब कम बीमारी लगेगी। हाँ ये बात तो भी है। लेकिन राम राम किसान भाइयों, भाइयों जो आज का वीडियो है वो गन्ने की वैरायटी के ऊपर है। ये किसान भाई ने बीज बो रखा है 1335 और ये उधर की साइड में है 1401। तो किसान भाई से जानकारी लेंगे गन्ने के बारे में कि कौन से गन्ने की पैदावार ज्यादा है, कौन सा गन्ना किसान भाई को बोना फायदेमंद रहेगा और कौन से गन्ने में जो है बीमारी कम लगती है, किस गन्ने की ट्रिलिंग ज्यादा है, संपूर्ण जानकारी लेंगे किसान भाई से। तो भाइयों किसान भाई से बात करते हैं, गन्ने के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं। जी राम राम जी। राम राम भाई जी। तो आपने ये जो बीज बो रखे हैं, ये गन्ने की जो वैरायटी बो रखी है आपने 1335 और 1401, तो इसमें कौन सी वैरायटी ज्यादा अच्छी है, दोनों में कौन सी बेहतर है, किसान भाई कौन सी को बोएं, किसकी ट्रिलिंग ज्यादा है, ये पूरी जानकारी नहीं किसान भाइयों को गन्ने के बारे में। देखो जी ट्रिलिंग की बात तो ऐसी है, गन्ना भी आपके सामने खड़ा है जो यहाँ तक है ये 1335 है, उधर से लगभग 1 बीघा। ये लास्ट में जो 2 गूल है, नहीं ये यहाँ से उधर को सारा। अच्छा ये सारा उधर, सारा 1335 है और यहाँ से इधर को जो है 1401 है मेरा। ये दोनों मैंने अक्टूबर में बोए गन्ने, सही बात तो ये है। और मैंने ये अक्टूबर में नहीं नवंबर में पौध लगाई थी मैंने। तो नवंबर का गन्ना इतना हल्का कैसे रह गया? वजह है सबको पता, बिजार घूम रहे, गाय घूम रही है। ये तो चलाई मार्च है, जब मार्च में सबका गन्ना बो गया ना आसपास में, ये चलाई उसके बाद है जब तक गायों ने लगातार खाया है। तब चलने नहीं दिया, तब खेत में यही गन्ना होगा छोटा, इसी खेत में गन्ना था तो ये चलने नहीं दिया, तो इसे तो आप मार्च का ही गन्ना समझो क्योंकि चलने ही नहीं दिया उन्होंने तो इस वजह से। लेकिन फिर भी उस हिसाब से जो मार्च के गन्ने हैं उनसे तो ग्रोथ बहुत अच्छी है इसमें। देखो ये एक ही खेत है हमारा, अलग नहीं है दोनों, ये एक ही खेत है। तो इसमें इधर जो ये 1335 ये 1401 जो है, इसमें सबसे बड़े डिफरेंस तो आप यही देख रहे हो, दोनों एक ही दिन के बोए हुए हैं, पौध के तैयार हैं। हाँ अंतर देख लो, अंतर दिखाई दे रहा है। देखो किसान भाइयों तो अच्छा, उधर का गन्ना तगड़ा है, ये बहुत माड़ा सा लग रहा है इधर की साइड में, लेकिन इसमें ट्रिलिंग ज्यादा है उससे। तो ट्रिलिंग दिखाते हैं आपको दोनों गन्नों की कि कौन सी की ज्यादा है, इसमें ही दिखा दे कौन सी कम है। शुरू के मेरे नहीं, अंदर तो थोड़ी ज्यादा है। 1335 की जो है देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ही मान लो यहाँ दोहरे पे ही गन्ना हूँ मैं। ये है 1335। 8 गन्ने हैं इसमें, लगभग 7-8 है। इसमें 1401 की दिखाते हैं आपको, कोई से का भी गिन लो इसमें जाके गिन लो। देखो इसकी ट्रिलिंग ज्यादा है 1400। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये धोरे के गिनवा है, इसमें 10 है अंदर को और ज्यादा ट्रिलिंग, बहरहाल उससे ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल। उधर गिनोगे थोड़ी और ज्यादा है, ये थोड़ा उसका फर्क है। तो सबसे बड़ा फर्क है क्या क्या खासियत है इन दोनों बीजों की? देखो जी बीमारी से लड़ने की क्षमता कौन से की ज्यादा है दोनों में से? 1335 ये मुकाबला नहीं कर सकता बीमारी से लड़ने की क्षमता में उससे। अब एक खेत है, ये आपको हल्का किस वजह से लग रहा, ये 1401 टॉप बोरर ने टोटल खेत बैठा दिया था। अच्छा पूरा एक धोरे से लगा इसमें टॉप बोरर, और बगल का ये वाला इसमें एक पेड़ में टॉप बोरर नहीं था, एक पौधे में टॉप बोरर नहीं था। मतलब ना तो हमारी मतलब खेत अलग है ना कुछ, एक खेत होने के बावजूद वो टोटल टॉप बोरर लगा उसमें, इसमें बिल्कुल नहीं लगा। तो इसमें जल्द बीमारी से लड़ने में इससे बेस्ट है। फिर दूसरी बात जो है जमाव, क्योंकि मैंने पौध तैयार करी थी ट्रे में, तो 50 की ट्रे थी 50 पौधे की, तो जो मैंने 1401 लगाया उसका जमाव 45, 46, 49 यानी 50 में से 49 पौधे तक चले हैं, 45, 46, 47 ये तो एवरेज था और 49 पौधे तक। और इसका 1335 का वही है जो 38 का है, 35 से 38 एवरेज आया इसका एक क्रेट में जो मैंने लगाए पौधे, जो आंख लगाई मैंने तो वो 35 से 38 आंख चली, किसी क्रेट में 40 चली होंगी, बहरहाल सब नीचे थी। मतलब कि तो ये दोनों मैंने क्रेट में तैयार करे हैं।
तो जो जर्मिनेशन है इसका ज्यादा है 14201 का इसके 35 के मुकाबले। वो क्या है कि इसका जर्मिनेशन तो आप ऐसे मानो 95% जर्मिनेशन है। जो मैंने ट्रे तैयार करी उसमें लेख के 45-46 से 49 पौधे जमे 50 में से, यानी 50 आंख लगाई तो 45 से 49 आंखें जमी बीच में आया इसके। और इसका जो है 13235 का वो आया 38 जैसा जमाव, 35 से लेकर 40 के बीच में 38 के बीच में। 14201 का जमाव बहुत ज्यादा बढ़िया है। जमाव ज्यादा है लेकिन बीमारी से लड़ने की क्षमता इसकी ज्यादा है। अभी तो हमने पहली बार लगाया है, अभी हमें इसके बारे में, अब जब ये बड़ा हो जाएगा गन्ना उसके बाद इसका वजन देखेंगे, जब मार्च में बोने का नंबर आएगा तो उस हिसाब से देखेंगे कि इसे ज्यादा बोना है या उसे ज्यादा बोना है। वैसे 20 तो मेरे पास इससे अलग तीन और है, 13235 है, 14201 हो गया, 15023 भी है, 18 भी है, 13231 है मैं ले आया था। तो ये बीज तुमने अपने लिए बोया है या अगर कोई किसान भाई बाहर से भी लेना चाहे तो वो ले सकता है? नहीं ले सकता, मेरा वो का जो बचेगा मैं दे दूंगा, उसमें मुझे क्या है। अब मेरे पास इतना तो है नहीं कि भाई मैं सबका भला कर सकूं। एक बीघे 13235 है मेरे पास। अच्छा, एक मैं सवा मान लो वैसे एक ही है, और ये मेरे पास लगभग 1.5 बीघे के आसपास 14201 है, और आप दो गूल मैंने लगा रखी 13231 की। वो तो मैं बस ले आया था कि हाँ भाई बीज अलग सा, उसका मुझे जर्मिनेशन अच्छा लगा तो मैं ले आया, यहाँ अच्छा लगा। और 15023 जो है एक बीघे से थोड़ा फालतू वो है मुझको 15023, और 18 मान लो आप एक बीघे के आसपास 18 होगा, कम है थोड़ा, एक बीघे भी पूरा नहीं है 18 जो है। तो ये है, लेकिन मुझे जो 18 की बात छोड़ो बाकी की, लेकिन मुझे इन दोनों का थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा। तो कौन सा ज्यादा बोने का इरादा इस बार आपका? देखो अगर तो रिजल्ट सही रहा तो मैं तो 35 बोऊंगा, 13235। मैं लोग बात कहते हैं कि इसका जो है जब समय पूरा सा लेता है कि इसकी आग जवाब करने लगती है, तो वो जब देखेंगे जब हम इसे बोने का समय आएगा कि भाई अगर जो आग इस तरह से स्पोर्टिंग होती है इसमें तो हम नहीं बोने के। लेकिन अभी तक जो रिजल्ट मुझे सबसे अच्छा लगा सारे गन्नों में मेरा, वो मेरा अभी 13235 का है टोटल गन्नों में। अच्छा, इस पे 13235 पे जो अगोला है वो इसके 14201 के मुकाबले ज्यादा लग रहा है देखने में। नहीं ज्यादा की बात नहीं जी, है ही ज्यादा। इस पे अगोला है ही ज्यादा। फिर इसकी एक बात और है, जैसे वो है ना इसकी आंख बहुत मोटी है, तो जैसे बीज लेकर जाते हैं तो वो बहुत सावधानी से लेकर जाना पड़ता है इसका, जिससे आंख वाख खराब ना हो जाए। खराब हो जाती है ज्यादातर वो, जैसे झटकों में आपस में पूली रख ली तो आंख ज्यादातर डैमेज हो जाती है उसकी। फिर लागत मेन वजह है कि लागत इसमें लागत बहुत कम है। हम तो वैसे भी हमने पहले हम तो बहुत यूरिया देते थे, अब हमने अपना लगभग 20 किलो बीघे का यूरिया, 20 से 25 किलो बीघे का यूरिया हम देते हैं एक बीघे में अपना तीन बार में। अच्छा, तो इसे तो हमने इतना भी नहीं दिया, जो हमने देखो मिट्टी चढ़ा दी लास्ट इसका वो था, हमने इसे 15 किलो बीघे का अब तक यूरिया दिया है इसे, मतलब 5 किलो बीघे का कम दिया है आपने इसे यूरिया। हाँ, 5 से 10 किलो बीघे का यूरिया कम दिया है। और दूसरी बात, इस पे कोराजन का स्प्रे हमने करा है सभी पे, इस पे भी करा था इस पे भी करा है, लेकिन हमने कोराजन का स्प्रे जो करा था वो जब इस पे टॉप बोरर आया था उसके बाद करा हमने। इस पे टॉप बोरर आ गया था ना 14201 पे, उसके बाद करा हमने टोटल पे कोराजन का स्प्रे। और उसके अलावा हमने इसे कोई लागत नहीं दी, कुछ भी लागत नहीं दी। यार आप गन्ना देख लो, देखो मैं दिखाऊं, अगर वो सीधा करोगे ऐसे तो 8 फीट से ऊपर है इस टाइम टोटल मैं बोल, लेकिन मैं यही खड़ा हूँ। देखो भाइयों, 8 फीट से ऊपर होगी, 8 फीट से लगभग, हाँ ऊपर ही है। इस बार बारिश की वजह से भी नुकसान है थोड़ा। हाँ, इस बार बारिश बहुत हुई है, पानी बहुत भरा रहा। ये ट्रेंच वाली जो है इनमें तो और ज्यादा नुकसान था, क्योंकि मिट्टी बीज गूल में आ नहीं पाई तो जो बारिश पड़ी उसका पानी इसकी जड़ में ही भरा रहा गन्नों की ज्यादातर। तो जो पहली वाली बरसात के बाद चढ़ाया इसमें दूसरी वाली, नीचे पेड़ी है इसमें दूसरी बरसात के बाद चढ़ाया था, तो बहुत नुकसान है आपके गन्ने में। नहीं तो पिछले साल जो 9 लाख थी 38 की भी, वो इस बार में मतलब इस समय तखड़ी थी जो आपकी नोल के हैं उनके मुकाबले, पिछले साल की जो नोल थी वो हाइट भी अच्छी थी उनकी, उनमें गन्ना भी ज्यादा पड़ गया था। तो आपके थोड़ा बारिश की वजह से भी नुकसान, बारिश की वजह से गन्ने में नुकसान है इस बार। लेकिन कुल मिला के गन्ना 23 भी अच्छा है, लेकिन गन्ना 23 गिरता बहुत है, उसमें गिराव की समस्या ज्यादा है, गिरने की समस्या, लेकिन ठोस गन्ना है और पक्के का गन्ना हल्की जमीन में वो कामयाब है। तो अगर कोई किसान भाई बीज लेने का इच्छुक हो तो भाई से संपर्क कर सकता है, आप अपना जरा मोबाइल नंबर बता दो। तो मोबाइल की बात तो एक है, पहले मैं एक बात बता दूं जी, बीज की कोई बात नहीं है, बीज तो जो मैं बोऊंगा उसके बाद जो बचेगा जो टाइम से आएगा पहले उसे मिलेगा। बीज की क्या बात है, मैं लाया था इसे 13235 को 1600 रुपए कुंटल,
अच्छा, और ये वाला लाया था मैं 1100 रुपए कुंटल। अब वो मुझे मिला कहाँ से मिला, मैंने एडजस्ट करा, वो मेरी हेड आके। तो आप किस रेट पे दोगे अगर कोई भाई लेना चाहता हो तो? मैं तो जो भी आएगा वो मील रेट पे। अच्छा, ये बढ़िया, इसका कोई वो नहीं है कि भाई मुझे इतने को मिला। अब तो ये आप ये समझो अक्टूबर का था, मैं तो ये सोच रहा था सारा अक्टूबर में कटवाना पड़ेगा, क्योंकि भाई मार्च में तो मतलब ही नहीं था, गन्ना पक जाता, एक साल से ऊपर का गन्ना हो जाता, सवा साल का गन्ना हो जाता, बल्कि सवा से भी फालतू का डेढ़ का। लेकिन अब जो है जिस हिसाब से इसकी व्यवहार है वही मार्च वाली चल रही है, जो मार्च के गन्ने की होती है, क्योंकि पशुओं ने सारा खा लिया था। तो अब तो हिसाब मार्च का समझो, और मार्च में इसका बीज मिलेगा अब तो मैं जो हूँ इसे वही 350 रुपये कुंटल है अपना। चाहे बदले का गन्ना डाल दो मेरे, चाहे आप पैसे देख लो। हाँ, मतलब अपने बदले का कोई गन्ना डाल दो, इतना जितना ले जा रहा है उतना डाल जाओ। ले जा रहा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भाई मैं 1600 को लाया था तो मुझे 1600 को ही देना ना, ऐसी कोई बात नहीं। यहाँ तो लूट की दुकान खोल रखी है लोगों ने। हाँ ये तो है। हाँ 1600 रुपए कुंटल, 2000 रुपए कुंटल, 10 रुपए आंख तक दी है बताओ इसकी। 10 रुपए आंख के हिसाब से आप हिसाब लगाओगे तो 6-7 हजार रुपए कुंटल से ऊपर बैठेगा 35। तो आपको तो बहुत महंगा पड़ा फिर ये बीज। हाँ मैं बोले के मुझे 1600 रुपए कुंटल पड़ा, मैं बोले के लेकर आया था जहाँ से मैं लाया था 1600 रुपए कुंटल दिया मुझे। तो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं मील रेट पे दूंगा जो मेरा बचेगा, क्योंकि मुझे बोना भी है। तो एक बार किसान भाइयों को अपना नंबर और बता दो आप। नंबर मेरा 9927433707। तो अगर जो कोई भी लेना चाहेगा तो मिल ले। तो भाई ऐसा तो है नहीं कि मैं एक क्षेत्र का पेड़ भर सकता हूँ, एक बीघे गन्ना सारा है तो मेरा बूझ जाएगा इसमें से कम आप मान लो 4-5 बीघे तो मैं बोऊंगा, तो 8-10 कुंटल, 10 कुंटल तो मेरा मान लो, क्योंकि मैं ट्रेन से बोऊंगा 5 फीट पर, तो 10 कुंटल के आसपास। और बाकी जो बचेगा वो किसान जो भी ले जाना चाहेगा, जो समय से आ जाएगा। वैसे तो गांव में आसपास के कई सारों ने मुझसे बोल रखा, लेकिन जो समय से आएगा मैं उसे कटवा दूंगा। ठीक है। अच्छा किसान भाइयों, जो भी किसान भाई अगर बीज लेने का इच्छुक हो तो भाई ने बता दिया है संपर्क सूत्र अपना वीडियो में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसी तरीके के वीडियो आगे हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।